हम लोगों ने कॉलेज सेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को कॉलेज सेक्शन का जो बेसिक था वो बताया था, और उसके बाद क्या बताया था, सर्कल सर्कल की एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज पहला वाला पूरा ने सॉल्व भी किया था, है ना। अभी दूसरा टॉपिक आता है हमारा कॉलेज सेक्शन पैराबोला। पैराबोला स्टार्ट करेंगे। ये देखो पैराबोला मैंने उस दिन बताया भी था कि पैराबोला कैसे बनता है। अब देखो पैराबोला टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। कॉलेज सेक्शन का एक पार्ट होता है हमारा, क्या होता है पैराबोला। पैराबोला हमारे बेसिक चार तरीके के होते हैं। पैराबोला हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसकी जो सिमेट्री होगी वो एक्स एक्सिस में बननी होगी या वाई एक्सिस में, माइनस एक्स एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस में, लेकिन सिमेट्री जरूर बननी होगी, है ना। देखो पैराबोला कैसे होते हैं, पैराबोला ऐसा हो सकता है ना, पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये तभी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर हो और ये कैसा हो सकता है कि नीचे भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कई तरीके के हमारे क्या हो सकते हैं पैराबोला। हम यहाँ पे वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, कौन सा कैसा होता है, इसका कौन सा इक्वेशन होता है, ठीक है। पैराबोला होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है पैराबोला होता क्या है, तो इसे क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन। किसी सेट ऑफ पॉइंट होता है जो हमारे इक्वल डिस्टेंस होते हैं, कहाँ से, किसी एक लाइन से। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है, एक ही लाइन दे दी हमने, इसका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। इसका डिस्टेंस यहाँ से सेम, ठीक है। इसका ले लो इससे ये डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस क्या आ रहेगा, सेम। यहाँ ले लो ये, इसका यहाँ से इसका यहाँ से क्या रहेगा, सेम। तो ये डिस्टेंस इस लाइन से सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जब भी फॉर्म होंगे, जब एक पॉइंट से कुछ फॉर्म करेंगे तो क्या होगा हमारा, है पैराबोला, ठीक है। क्या होगा ये पैराबोला। और देखो ये आप लोगों ने ऐसा सा फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फोकस, ये जैसे क्या होता था, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कर देंगे, ठीक है, पेंट कर देंगे या ऊपर से पेंट कर देंगे, दो तरह के लाइन्स होते हैं मतलब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कुछ उसी तरह का है ना। तो जिस लाइन से पॉइंट हमारे एक डिस्टेंस होते हैं, एक जैसे डिस्टेंस के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जिस पर ये ओरिजिन पे आ रहा है इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स, क्या कहेंगे, वर्टेक्स, और इसे क्या कहेंगे, फोकस। आप लोगों को पता भी है लेंस जो होता था, लेंस में जब हम रोशनी डालते थे सारी लाइट कहाँ पर आती थी, फोकस पे आती थी, है ना, फोकस पे ही आती थी ना, उनको फिक्स का फिजिक्स जैसा ही कंसेप्ट है इसका भी, ये क्या आप कहते हैं इसे, फोकस। ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस मान लो, ओ ना मान लो इसे, ओ एफ का डिस्टेंस मान लो ए, तो एफ के कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, ए कोमा जीरो। ए कोमा जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्स का डिस्टेंस कितना हो गया, ए, और वाई का क्या है यहाँ पर, जीरो, ठीक है। ओ एफ जी ए हो गया, इधर भी ये डायरेक्ट्रिक्स की कितनी हो गई, ए। जब हम फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए, यहाँ से आता है ए प्लस ए, क्या हो गया, टू ए, ठीक है। अब देखो यदि हम इसे एक लाइन से ज्वाइन करते हैं फोकस को, फोकस पे कहीं पर परपेंडिकुलर टाइप डालते हैं ऊपर से, ठीक है। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो लाइन बनेगी इसे क्या कहते हैं, लैटिस वेक्टर, लैटिस वेक्टर। इसे आगे डिस्कस करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है अभी बताते हैं, ये क्या होता है हमारा लैटिस वेक्टर।
अब यहां पे कोई एक पॉइंट मान लो, कोई एक पॉइंट मान लो या डायरेक्ट रखते जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है या इसके हम पॉइंट पूछे तो क्या हो जाएगा ये -1, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा -1, 0 का डिस्टेंस क्या है एक। और देखो पैराबोला को कोई एक पॉइंट मान लो टी, जिसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x, y, कुछ x की वैल्यू होगी कुछ यहाँ पे y की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी के पैरेलल में x एक्सिस के पैरेलल में डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ठीक है, इसके पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो क्या m, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे -a है तो x का तो -a हो जाएगा, यहाँ पर y का क्या होगा जब इसका y है तो इसका भी y होगा ना, तो ये पैरेलल सारी जितने भी लाइन में होगा जितने भी सबके क्या होंगे y, तो क्या हो जाएगा y। अब देखो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो यहां से क्या कह सकते हैं, पहले हम इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल आएगा ना। निकालो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए तो क्या आ जाएगा x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा वैल्यू, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमने क्या माना p, ये डिस्टेंस निकालो इसका pm, पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो होगी यहां से p और m, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही मैंने लिखाया है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने सीखे होंगे। इसे x2 y2 मान लो या इसे x1 y1 मान लो, या इसे x2 y2 मान लो इसे x1 y1 मान लो, जैसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो देखो x1 y1 सेम मानोगे तो x2 y2 है, तो देखो x2 क्या हो जाएगा माइनस x, x1 माइनस x, चलो पॉइंट में तब भी आ जाएगा ना, चलो इसे x2 y2 मान लो इसे x1 y1 है ना, करो x - y - y - y = 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x + a का होल स्क्वायर, ओनली क्या बचेगा x + a। चलो यही तो छोड़ देते पहले, ये पी एम आ गया, अब क्या लोगे पी एफ, एफ पॉइंट है ना पी एफ, अब इसे x2 y2 मान लो इसे x1 y1, x - a का होल स्क्वायर + y2 - y1 - 0 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर दोनों क्या है इक्वल है, तो देखो इक्वल रखेंगे pm = pf, ये इसके इक्वल आ जाएगा x + k का होल स्क्वायर + x - a का होल स्क्वायर + y स्क्वायर, रूट से रूट को कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड का, रूट से रूट खत्म, इधर जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा x² + a² + 2ax, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x² + a² - 2ax + y² देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, a² से a² कैंसिल हो रहा है,
का कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 2x इधर माइनस 2x, इधर y का 2x को इधर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये किसका इक्वेशन आ गया, इस तरह होगा क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ऐसे सारे पैराबोला इसका वैल्यू निकाल सकते हो ना, ये सारे पैराबोला निकाल के मैं भी बना दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमने खींचा था क्या था, ये लेटेस्ट वेक्टर था ना, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, ये शॉर्ट करेंगे यहां से एक इसके पैरेलल ले जाएं x एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस कितना आता है 2l, ये भी क्या आएगा 2l, 2l ये हो जाएगा क्या हो गया लेटेस्ट वेक्टर का वैल्यू 4a, तो लेटेस्ट वेक्टर क्या हो जाएगा 4a। डायरेक्टर्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर माइनस है, ठीक है, डायरेक्टर्स क्या होगा माइनस है, ठीक है। इसे ये भी तो बोल सकते हैं किसका लाइन है, किसका लाइन है माइनस है, क्या करता माइनस है तो खिंचा हुआ, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस से तो जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू थ्री होता है तो कैसे कर देते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो जब एक्स इक्वल टू आएगा तो वाई के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं सारे पैराबोला मान के सबका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, सबका इक्वेशन दिखाएंगे। ये तो अभी सॉल्व किया था, दूसरा कौन सा हो सकता है, ये देखो सिमेट्री सेम है ना, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के, देखो वाई एक्सिस के, और इधर क्या आ जाएगा माइनस वाई एक्सिस के, इसका क्या आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसका क्या आया था y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, इसका क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, और इसका क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। लेटेस्ट रेक्टम सबका क्या सर लेना है इसमें फोर ए, ठीक है, और देखो डायरेक्टर्स का वैल्यू इसमें क्या आएगा, माइनस ए, और x इक्वल टू माइनस ए, क्या बोल सकते हैं यहां से x इक्वल टू माइनस ए, इसमें क्या आएगा डायरेक्ट्रिक्स, क्या आएगा इसमें यहां पे आएगा ना x इक्वल टू ए, इधर देखो इसमें डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगा, इसमें कहां आएगा डायरेक्ट्रिक्स, क्या इसमें कहां आएगा, यहां इसमें कहां आएगा इसके नीचे, जितना ये फोकस का वैल्यू होगा उतना ही यहां से यहां तक क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू, ये तो ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से क्या आएगा वाई इक्वल टू माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां आएगा डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, ये हमारा फोकस यहां तक है, ये भी क्या हो जाएगा ए बाय इक्वल टू ए, यहां पर फोकस आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वगैरह देखते टाइम ओवर करेंगे ना थोड़ा सा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, किस वाले का कैसा क्वेश्चन होता है या किसी क्वेश्चन के लिए कैसा पैराबोला होता है ना,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर पैराबोला विद फोकस, एग्जांपल नंबर 6। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2.0, फोकस दे रखा है 2.0 और क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -2। डायरेक्ट्रिक्स की तरफ कितना दे रखा है, एक्स इक्वल टू -2, क्या दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स। देखो 2.0 इसके लिए कैसा बनेगा, 2.0 कहाँ होगा, यहाँ का ही होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए कुछ ऐसा बनना होगा, फोकस का वैल्यू यहाँ है तो यहाँ इसी के सिमेट्री में बना देंगे, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 यहाँ आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2.0। अब देखो इसमें क्या रखते हैं, 22² = 4ax, इसके लिए कौन सा इक्वेशन होता है, 22² = 4ax, ये क्या होता है, इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो देखो इसका क्या दे रखा है 2.0, यहां से यहां तक क्या हो गया 2 4 × 2 × x, क्या होगा 8x, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 22² = 8x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, कौन सा है, एग्जांपल नंबर 7। वर्टेक्स कितने में दे रखा है, 0.0 और क्या दे रखा है इसमें, फोकस एट 0.2 देखो इसका कैसा बनेगा, कुछ पैराबोला वर्टेक्स किस पर है, 0.0 पर, 0.2 ये किसका वैल्यू है, y का, x का 0 है, ये ऐसा कुछ बनना होगा, ये तो बनेगा, फोकस कितने पे आएगा 0.2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, ये 0.0, इसका डायरेक्ट्रिक्स निकाले तो कहां पे आएगा, -2 पर, ये आएगा ना y पर तो -2। इसका इक्वेशन कैसा होता है, एक्स इक्वल टू 4ay, ए का वैल्यू क्या हो गया 2 4 × 2 × y, क्या हो गया 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8y, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।